तो बच्चों कैसे हैं आप सब बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास ट्वेल्थ का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है हिंदी में जिसको राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं तो इस सब्जेक्ट का आप हम 100 एम कह सकते हैं कर रहे थे इम्पॉर्टेंट एम सी आपका टर्म वन के लिए तो इससे पहले मैंने आपका जो सेकेंड वाला बुक है आपका उसके पचास एम सी डाल दिए हैं ये उसी सीरीज़ का सेकेंड वीडियो है दूसरा पार्ट है सेकेंड वाली बुक का सेकेंड पार्ट जिसके अंदर मैं लास्ट जो बचे हुए पचास एम सी क्यू क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट एम सी क्यू क्वेश्चन आपके टर्म वन के लिए वो मैं आपको करवा दूंगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जैसे इंपॉर्टेंट कार्टून इंपॉर्टेंट एम सी क्यू क्वेश्चन सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इस वीडियो के तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा चलिए शुरू करते हैं तो इक्यावनवाँ क्वेश्चन देखिए बच्चों इक्यावनवा क्वेश्चन जो है हमारा क्या पूछ रहे हैं हमसे कि उस पंथ को क्या कहते हैं जिसमें खुली प्रतिस्पर्धा यानी कि जो एकदम ओपनली कंपटीशन है प्रतिस्पर्धा बोले तो कंपटीशन और बाजार मूल्य मुल, मूल्य का अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति होना स्वीकार्य है उचित विकल्प का आपको चयन करना है मतलब कंपटीशन को जो बढ़ावा देते हैं और बोलते हैं कि प्रतिस्पर्धा जरूरी है तो उसका आपको सही उत्तर बताना है इक्यावनवें क्वेश्चन में ठीक है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों दक्षिण लोग ये सब मानते हैं आगे चलते हैं बावनवा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों बावनवां क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है बच्चों यहाँ पर हमसे कि आज़ादी के बाद भारत में भूमि सुधार में सबसे महत्वपूर्ण और सफल प्रयास कौन सा था बावनवा क्वेश्चन ठीक है तो इसका सही उत्तर है बच्चों जमींदारी प्रथा को समाप्त करना यह बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था आ, कह सकते हैं आज़ादी के बाद भूमि सुधार में ठीक है आगे चलते हैं अगला प्रश्न देखिए तिरपनवा क्वेश्चन तिरपनवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे ठीक है तो वो थे बच्चों अरविंद पनगढ़िया जी ठीक है ये हमारे नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे आगे चलते हैं अगला प्रश्न देखिए भारत में योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है तो वो होते हैं बच्चों प्रधानमंत्री जी जैसे हमारे आज के टाइम पे नरेंद्र मोदी जी है ना तो वो ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री होते हैं आगे चलते हैं अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है पचपनवा प्रश्न ये क्या पूछ रहे हैं बच्चों द मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन लोकप्रिय है तो वर्गीज कुरियन को द मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं बच्चों ठीक है आगे चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है छप्पनवा प्रश्न छप्पनवा प्रश्न है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का योजनाकार कौन थे ठीक है छप्पनवा प्रश्न है आपका तो इसका सही उत्तर है बच्चों पीसी महालनोबिस को दूसरी पंचवर्षीय योजना का योजनाकार कहा जाता है आगे चलते हैं संतावनवा प्रश्न देखते हैं बच्चों कि निम्नलिखित में से हरित क्रांति की सफलता है क्या है हरित क्रांति की सफलता वो आपको बताना है यहाँ पर बच्चों पहला आपका फसल जो क्षेत्र था उसमें वृद्धि हुई दूसरा है उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि तीसरा औद्योगिक विकास को बढ़ावा और चौथा है उपरोक्त छवि तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त छवि हमें फसलों में वृद्धि देखने को मिली उत्पादन भी ज़्यादा देखने को मिला रिकॉर्ड वृद्धि देखने को मिली एक टन लगभग गेहूँ का हमें रिकॉर्ड वृद्धि देखने को मिला था उस टाइम पर औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिला हमें ठीक है तो आप उपरोक्त सभी कह सकते हैं आगे चलते हैं अगला प्रश्न देखिए अंठावनवा प्रश्न अंठावनवा प्रश्न यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से हरित क्रांति की आलोचना का आधार क्या है उचित विकल्प का चयन कीजिए हरित क्रांति की आलोचना यानी मजाक भी उड़ाया जाता है क्यों उड़ाया जाता है वो आपको बताना है पहला आपका प्याज एवं चीनी का आयात करना आ, किया जाता है हमारे देश में इसीलिए दूसरा है कि आ, हरित क्रांति का लाभ केवल कुछ क्षेत्रों को हुआ तीसरा है हमारा खाद्यान्न संकट जो है बने रहा ठीक है यहाँ पर ये पहुँचा नहीं आपका होगा पहुँचा यहाँ पर होना चाहिए ठीक है खैर खाद्यान्न संकट बना रहा और चौथा है उपरोक्ष सभी तो देखिए उपरोक्त सभी आप कहेंगे क्योंकि देखिए प्याज और चीनी का आज भी आयात होता है भारत के अंदर और हरित क्रांति का लाभ केवल कुछ क्षेत्रों को ही ज़्यादातर देखने को मिला जैसे पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान थे उनको ज़्यादा देखने को मिला पंजाब और हर हरियाणा के और तीसरा आपका खाद्यान्न संकट आज भी बना हुआ है ऐसा नहीं है कि हरित क्रांति के बाद पूरा खत्म हो गया और चौथा उपरोक्त सभी लेकिन इसके फायदे भी हुए थे हरित क्रांति के आगे चलते हैं अगला प्रश्न देखिए उनसठवां प्रश्न कि भारत में वर्तमान समय में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है तो वर्तमान समय में बच्चों तेरहवीं पंचवर्षीय योजना चल रही है जो दो से चल रही है आपकी ठीक है आगे चलते हैं अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है साठवां प्रश्न साठवां प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों यहाँ पर हमने कि खाद्यान्न संकट अर्थात 1960 के दशक में भारत सबसे अधिक संकट ग्र, ग्रस्त संकट ग्रस्त राज्य कौन सा था क्वेश्चन एक बार दोबारा से देखेंगे बच्चों खाद्यान्न संकट अर्थात 1960 का जो दशक था उसमें भारत का सबसे अधिक संकटग्रस्त जो कह सकते हैं सबसे ज़्यादा परेशानियों से जूझ रहा राज्य कौन सा था तो वो था बच्चों बिहार हमारा बिहार में खाने की बहुत दिक्कत थी बच्चों ठीक है आगे चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा चित्र से संबंधित है इकसठवा प्रश्न है ये क्या कह रहा है बच्चों कि चित्र में दिखाया गया व्यक्ति जो है व्यक्ति कौन किसको संबोधित कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में एक व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा एक नेता टाइप का वो बहुत सारे लोगों को संबोधित कर रहा है तो यहाँ पर पूछ रहा है किन को संबोधित कर रहा है आपको ठीक है तो वो आपको बताना चार ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला आपका स्वतंत्रता सेनानियों को कर रहा है दूसरा आम नागरिकों को कर रहा है तीसरा योजना आयोग के सदस्यों को कर रहा है और चौथा है इनमें से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर है बच्चों योजना आयोग के सदस्यों को ये संबोधित कर रहे हैं आगे चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न भी हमारा चित्र से संबंधित है यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों की चित्र को ध्यान से देखिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए तो यहाँ पर आपको चित्र देखने को मिल रहा है बच्चों ठीक है इस चित्र में ना बिहार के बारे में और उस टाइम का हरित क्रांति के बारे में मेनली वर्णन किया गया है ठीक है आप चित्र यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं मैं डायरेक्ट इसका क्वेश्चन आंसर पर चलता हूँ यहाँ पर बासठवां प्रश्न है इसी चित्र से संबंधित कि उपरोक्त चित्र में कौन से दशक की याद दिलाते हैं मतलब उपरोक्त जो चित्र है वो कौन से दशक की याद दिलाता है तो उन्नीस का दशक की याद दिलाता है जो चित्र है हमारा आगे चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं तिरसठवा प्रश्न तिरसठवा प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पर बच्चों हमसे कि इस दशक में सबसे बड़ा संकट कौन सा था प्राकृतिक आपदा खाद्यान्न संकट बिजली संकट जल संकट तो वो था बच्चों आपका खाद्यान्न संकट 1960 का दशक आगे चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है चौंसठवा प्रश्न चौंसठवा प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों कि इस दशक में किस क्रांति की शुरुआत हुई थी तो इस दशक में अगर देखा जाए तो हमारा हरित क्रांति वगैरह की शुरुआत हुई थी आपका ठीक है और श्वेत क्रांति भी कहीं ना कहीं इधर से ही हमारा शुरू होने लग गया था ठीक है तो आप यहाँ पर अगर आप एक मुख्य चीज़ की बात करें तो आपका हरित क्रांति आप इसमें लिख सकते हैं आगे चले अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा पैंसठवा प्रश्न पैंसठवा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों कि खाद्यान्न संकट की इस घड़ी में देश ने भा जो हमारा देश था भारत ने गेहूं का आयात किया मतलब कहाँ से किया ठीक है किस देश से गेहूं का आयात किया था तो वो किया था बच्चों अमेरिका से और कह सकते हैं सबसे ख़राब गेहूं जो सबसे ख़राब खाद्यान्न वाली चीज़ें थी ना वो अमेरिका हमें दे रहा था और ऊपर से वो अपनी शर्तें हमें मनवाना चाह रहा था कि हम आपको ये दे रहे हैं लेकिन आप अपनी अर्थव्यवस्था का मॉडल बदलो मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मॉडल में आओ ठीक है ये करो वो करो तो भारत देश ने बोला रुको ठीक है भारत ने बोला चलो भाई हरित क्रांति लाओ हटाओ अमेरिका अमेरिका को ठीक है और आज स्थिति ऐसी है कि दुनिया में अगर देखा जाए वैसे तो खाद्यान्न के मामले में कमी है हमारे देश में लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में कम नहीं है आप अरब देशों में देखेंगे सबसे ज़्यादा नंबर वन एक्सपोर्टर है आज के टाइम पे जो अरब देश में आपको जो मिलेंगे ना दुबई वगैरह की बात कर लीजिए आप तो या फिर और भी मतलब जो वहाँ के देश है अलग अलग दुबई तो खैर एक देश देशती थी है ठीक है तो अलग अलग जगहों की अगर आप बात करें तो इंडिया ऐसा नंबर वन कंट्री है जो कि आप खा खा मतलब खाने की चीज़ें भेजता है वहाँ पर ठीक है एक्सपोर्ट करता है आप ये कह सकते हैं ठीक है तो देखिए कितना सुधार आया खाने के मामले में छियासठवा प्रश्न देखिए बच्चों छियासठवा प्रश्न क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे तो वो आप कह सकते हैं यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी थे ये वही शास्त्री जी है जिन्होंने कहा था कि मैं एक टाइम का खाना खाऊंगा सिर्फ ठीक है आज से क्योंकि देश में मेरे देश में खाने की कमी है ये वही शास्त्री जी थे जिनका ताशकंद में जो है सो कि आकस्मिक मृत्यु हो गई ये वही शास्त्री जी थे कट काठी के छोटे लेकिन ये बिल्कुल निर्णय लेने में बिल्कुल नहीं कतराते थे वही शास्त्री जी है जो एक किसान थे ठीक है थोड़ा सा भावुक हो गया मैं <laughs> चलिए कोई बात नहीं अगला प्रश्न है सड़सठवा प्रश्न सड़सठवा प्रश्न है कि चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया तो वो किया बच्चों उन्नीस के अंदर ठीक है आगे चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं अड़सठवां प्रश्न देखिए बच्चों अड़सठवा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था तो वो उन्नीस में हुआ था ठीक है पंचशील समझौता जिनमें पांच बातों पर हामी भरी गई थी दोनों देशों के द्वारा सिक्सटी नाइन्थ यानी कि उनहत्तरवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश को लेकर के युद्ध कब हुआ था तो उन्नीस सौ इकहत्तर में हुआ था ठीक है आगे चलते हैं सत्तरवा क्वेश्चन देखिए बच्चों सत्तरवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है बच्चों कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया पहला परमाणु परीक्षण याद रखिएगा बच्चों उन्नीस सौ चौहत्तर में किया था ठीक है आगे चलते हैं अगला प्रश्न है इकहत्तरवा प्रश्न इकहत्तरवां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों कि दलाई लामा ने भारत में कब शरण जो है सो कि मांगी यहाँ मांझी लिखा है लेकिन ये मांगी है आपका ठीक है यहाँ पर आप मांगी कह दीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ठीक है तो वो मांगी थी बच्चों 1959 में मांगी थी दलाई लामा ने भारत में शरण आगे चलते हैं अगला प्रश्न देखिए बहत्तरवां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमसे बहत्तरवां प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि भारत ने अपना सफल परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया तो उन्नीस में पोखरण में किया था 1974 में जो किया था उसका कोड नेम था बच्चों स्माइलिंग बुद्धा और उन्नीस में जो पोखरण में हमारा सफल परमाणु परीक्षण हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में तो उसका कोड नेम था बच्चों आपका शक्ति अंठानवे याद रखिएगा आगे चलते हैं तिहत्तरवां क्वेश्चन देखिए बच्चों तिहत्तरवा क्वेश्चन जो है हमारा क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि एक तरफ अमेरिका में पूरी दुनिया का सब पुराना लोकतंत्र है ठीक है एक तरफ जो अमेरिका है उसके अंदर पूरी दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र जो है अमेरिका माना जाता है वहाँ पर है वहीं दूसरी तरफ भारत में दुनिया का सबसे डैश लोकतंत्र है तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आप कह लीजिए भारत में आपको देखने को मिलेगा समझ रहे हैं आगे चलते हैं अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है हमारा चौहत्तरवां प्रश्न ये क्या पूछ रहा है बच्चों कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत देश के डैश मंत्री भी थे ठीक है तो वो बच्चों आपका विदेश मंत्री भी थे आपका ठीक है ये आप कह सकते हैं चौहत्तरवें में आगे चलते हैं कह नहीं सकते है करेक्ट ये ठीक है पचहत्तरवा प्रश्न देखिए पचहत्तरवा प्रश्न है कि 1965 के भारत और पाकिस्तान युद्ध की समाप्ति किसके माध्यम से हुई थी तो मीडिएटर का रोल निभाया था यूएनओ ने संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके ही माध्यम से हुई थी आपकी छिहत्तरवा प्रश्न वही कथन कारण वाला आ जाता है आपका इसमें अभिकथन क्या कह रहा है और कारण क्या कह रहा है देख लीजिए अभिकथन कह रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात उन्नीस में शांति मैत्री एवं सहयोग की नई संधि को अपनाया गया कारण कह रहा है आपका उन्नीस में द्विपक्षीय सैन्य तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुआ आपका ये छिहत्तरवां प्रश्न आपका कह रहा है तो देखिए इसका आप कहीं कही ना कहीं ये दूसरा वाला ऑप्शन सही होना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है लेकिन कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है आपका आगे चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं सतहत्तरवा प्रश्न ये भी कथन कारण वाला है आपका ये क्या कह रहा है इसमें अभिकथन और कारण ध्यान से देख लीजिए अभिकथन कह रहा है कि भारत की विदेश नीति पर हमारे प्राचीन इतिहास की सहिष्णुता और शांति का प्रभाव रहा है कारण कह रहा है बच्चों कि स्वतंत्रता से पहले भारत की विदेश नीति का विकास भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में हुआ था ठीक है सतहत्तरवा प्रश्न तो सतहत्तरवें प्रश्न का भी कहीं ना कहीं दूसरा ही होगा आपका ये आप कह सकते हैं कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है लेकिन जो कारण आ रहा है वो अभी कथन है कि सही व्याख्या नहीं है आपका ठीक है आगे चलते हैं अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है हमारा चित्र आधारित प्रश्न तो इसमें चित्र को देखिए और इससे संबंधित प्रश्न पूछेगा यह चित्र उन्नीस वाला है ठीक है ये टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का चित्र है कह सकते हैं उसकी कटिंग है एक ठीक है तो अब देखिए इस चित्र से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे काफी आसान क्वेश्चन पूछेगा इस चित्र से संबंधित प्रश्न पूछ रहे कि इस चित्र में किस युद्ध के बारे में दिखाया गया है तो इस चित्र में बच्चों भारत और पाकिस्तान का युद्ध के बारे में दिखाया गया है आगे चलते हैं अगला प्रश्न है कि सेवेंटी नाइन्थ क्वेश्चन आपका है ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों यहाँ पर कि इस चित्र में दिखाए गए समय के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी थी ठीक है बच्चों आगे चलते हैं असीवा क्वेश्चन असीवा क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या पूछ रहे हैं यहाँ हमसे कि इस चित्र के अनुसार युद्ध में हार किस देश की हुई थी तो पाकिस्तान भैया की हुई थी आपको पता ही है अगला प्रश्न देखिए अगल, अगला अगला प्रश्न है हमारा इक्यासीवा प्रश्न ये क्या बोल रहा है बच्चों कि इस ने मतलब इन नेताओं ने मिलकर किस का किसकी स्थापना की थी सॉरी ठीक है मतलब ये जो पांच नेता आपको देखने को मिल रहे हैं इन्होंने किन की किस संगठन की स्थापना की थी वो आपको बताना है बच्चों ठीक है तो यहाँ पर चार ऑप्शन आप देख पा रहे हैं पहला है आपका आसियान संगठन की दूसरा है यूरोपीय संघ की तीसरा गुटनिरपेक्ष आंदोलन की और चौथा है एशियन डेवलपमेंट बैंक की तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि किसकी स्थापना की थी इन्होंने ठीक है आगे चलते हैं बिरासीवां क्वेश्चन आप डायरेक्ट यहाँ पर देख लीजिए कि एन का विस्तृत रूप बताना है तो इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पर ये देख सकते हैं और हिंदी में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परमाणु अस्त्र अस्त्र अप्रसार संधि बोलते हैं ठीक है न्यूक्लियर नौ, नॉन प्रोफ्लेशन ट्रीटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं अगला है हमारा तिरासीवां प्रश्न कि सी का पूर्ण रूप लिखिए यहाँ पर इंग्लिश में ही टाइप हो गया था बच्चों मैंने सोचा चलो छोड़ो जाने तो बच्चे तो समझदार है समझ ही जाएंगे तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सी को कॉम्प्रिंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी हिंदी में बोलते हैं व्यापक परीक्षण निषेध संधि ठीक है आगे चलते हैं चौरासीवा प्रश्न देखिए बच्चों एट्टी फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा कि मेक मोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है वैसे हिंट दे देता हूँ चौदह के आसपास ठीक है समझ जाइए आगे चलते हैं अगला प्रश्न देखिए दलाई लामा कौन थे तो दलाई लामा एक धार्मिक नेता थे कौन थे बच्चों धार्मिक नेता आगे चलते हैं छियासीवा क्वेश्चन देखिए बच्चों छियासीवा क्वेश्चन है एट्टी सिक्स क्वेश्चन हमारा कि भारत और पाकिस्तान में अच्छे संबंध ना होने का एक महत्वपूर्ण कारण इनमें से कौन सा है एक कारण पूछा है लेकिन ये सारे ही कारण आप लिख सकते हैं कश्मीर विवाद भी है सिंधु जल समझौते का कह सकते हैं यहाँ समझौता है लेकिन ये विवाद भी एक तरह का हमारा ठीक है आप ये कह सकते हैं ठीक है, है कहीं ना कहीं अगला आतंकवाद भी कह सकते हैं तो इसका उपरोक्त सभी हमारा सही उत्तर हो जाएगा ठीक है सिंधु जल समझौता जो है वो तो हो गया था लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक विवाद है तो वहाँ पर ये टाइप होना था लेकिन वो सिंधु जल समझौता टाइप हो गया आपका ठीक है अगला प्रश्न देखिए सत्तासीवा प्रश्न कि पंचशील समझौते के सिद्धांतों का निर्धारण किसने किया था तो वो किया था हमारे नेहरू जी ने ठीक है पंचशील समझौते के समझौतों का निर्धारण अट्ठासीवा क्वेश्चन एट्टी क्वेश्चन है हमारा <coughs> सॉरी मेक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है तो भारत और चीन के बीच में हमारी ठीक है आगे चलते हैं अगला प्रश्न है हमारा एट्टी नाइन्थ क्वेश्चन भारत और चीन के बीच में जो संबंध है वो वर्तमान समय में ख़राब है तो उसके क्या कारण है पहला है कोविड नाइन्टीन दूसरा है गलवान वैली की घटना तीसरा अरुणाचल प्रदेश में जो विवाद चलता रहता है वो चौथा है उपरोक्त सभी तो इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी आप लिख सकते हैं कोरोना वायरस भी है गलवान वैली में अपनी घटना देखने को मिली दो में वो भी आपका अरुणाचल प्रदेश वाला भी विवाद आप लिख सकते हैं तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइन नब्बेवा क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर नब्बेवा क्वेश्चन है कि भारत की विदेश नीति का निर्माता किससे माना जाता है तो नेहरू जी को माना जाता है ठीक है आगे चलते हैं अगला प्रश्न देखिए इक्यानवे क्वेश्चन है ठीक है यहाँ पर क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन भी इक्यानवे है और इसमें इक्यानवे आंसर भी होगा आपके भारत की नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी तो उन्नीस इक्यानवे में की गई थी ठीक है अगला प्रश्न है हमारा नाइन्टी टू यानी कि बानवेवा क्वेश्चन कि भारत में 1960 का दशक अत्यंत पीड़ाजनक क्यों था पहला है ऑप्शन खाद्यान्न संकट के कारण दूसरा है गरीबी के कारण तीसरा है भारत चीन युद्ध के कारण और चौथा है उपरोक्त सभी तो इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी भी लिख सकते हैं आप साठ के दशक में खाद्यान्न संकट कहीं ना कहीं चीन युद्ध भी हमें देखने को मिला गरीबी भी थी उस टाइम पर तो इसका उपरोक्त सही आप लिख सकते हैं अब नीचे कार्टून आधारित प्रश्न तो यहाँ पर आप कार्टून देख सकते हैं बच्चों में इसका डायरेक्ट आंसर आपको बताते चलूंगा इस कार्टून को यहाँ पर जो आदमी है टोपी ओपी लगा के ये नेहरू जी है ये आम जनता के बारे यहाँ यहां पर है और आम जनता को तीसरी यहाँ पर पंच पर पंचवर्षीय योजना यो के बारे में समझा रहे हैं अभी मैं बताऊंगा मैं आपको ठीक है तो तेरा नाइन्टी थ्री यानी तिरानवा क्वेश्चन की इस कार्टून में वक्ता कौन है वक्ता मतलब बोलने वाला तो नेहरू जी हैं हमारे ठीक है उसी प्रकार से नाइन्टी फोर्थ क्वेश्चन हमारा नाइन्टी फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों कि कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति कौन है तो कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति आम जनता है और ये बोल रहा है कि देश की आम जनता जो कि गरीबी की मार झेल रही थी दूसरा है कि देश की आर्थिक स्थिति अभी भी सुधरी नहीं थी उसी प्रकार से अगला चलते हैं आगे देखिए नाइन्टी फिफ्टी यानी पंचानवे जो हमारा क्वेश्चन है कि कार्टून में इस मतलब एक योजना की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है आगे चलते हैं नाइन्टी सिक्स क्वेश्चन छियानवे क्वेश्चन हमारा कि देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपसे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का खाका किसने तैयार किया था यहाँ पर खाका है याद रखिएगा क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है तो वो पी सी ने किया था ठीक है दूसरी पंचवर्षीय योजना का ठीक है अगला यानी प्लान किसने प्रस्तुत किया था एक तरह से आप कह सकते हैं अगला है कि भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी तो वो 1969 से लेके 74 तक था आपका ठीक है चौथी पंचवर्षीय योजना अगला है नाइन्टी एथ क्वेश्चन अंठानवेवा क्वेश्चन है आपका कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है दूध से संबंधित है आपका ठीक है दूध के उत्पादन से संबंधित है अगला प्रश्न नाइन्टी नाइन्थ ना ना निन्यानवेवा क्वेश्चन हमारा कि पीली क्रांति किससे संबंधित है तो जो पीली क्रांति आपका तिलहन से संबंधित है तिलहन उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का हंड्रेड क्वेश्चन सौवा क्वेश्चन कि नीली क्रांति का संबंध है नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन बढ़ाने से यानी मछली पालन को बढ़ाने से है। ठीक है बच्चों तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को ऑल द बेस्ट आप सभी को कल के एग्जाम्स के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए ठीक है और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में आपको बेल का आइकन भी देखने को मिलेगा उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा इससे आने वाले हमारे चैनल पर नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए करेंगे आज के लिए इतने ही बच्चों मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में तब तक लिए खुश रहिए खुश रखिए सभी को जय हिंद वंदे मातरम और हाँ वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा